और हर व्यक्ति चाहत रखता है कि उसके टीम में इसी तरीके का एक तेजस हो। सो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब बारी है बिहार के ही एक उभरते हुए नौजवान तेजस की। ये और कोई नहीं, डबल डायमंड मिस्टर कुंदन कुमार। जोर तालियों से स्वागत करें मिस्टर कुंदन कुमार का। अगर देखा जाए तो सही बात है, कल जो रात में हुआ उसके बाद सवेरे जैसी नींद खुला, उसके बाद पता चला हम लोग अलग दुनिया में हैं। अभी तक मेरे प्रेजेंटेशन में भी वही दुनिया दिख रहा है। यस या नो? यस या नो? ये थैंक्स टू डीएक्सएल मैनेजमेंट गिविंग फॉर अपॉर्चुनिटी। आज हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी, मेरे बारे में सक्सेस स्टोरी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे हम क्यों डीएक्सएल में सफल हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई रेस्पेक्ट टू अवर ग्रेट गुरु एंड डीएक्सएल इंडिया गुरु। अगर बोला जाए तो डीएक्सएल दुनिया में आज उनको सीख करके कई लाखों या करोड़ों लोगों का जिंदगी बदला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेस्पेक्ट टू डाइटो डॉक्टर लिम सियोजिन। जोरदार तालियां फाउंडर ऑफ डीएक्सएल, जोरदार तालियां डीएक्सएल के लिए जिन्होंने इतनी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म बना करके पूरे दुनिया के लोगों को दी। अगर आज डीएक्सएल नहीं होता तो आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते। उसके बाद हम सभी, अगर डीएक्सएल पूरे दुनिया में ओपन हो चुका था, लेकिन अगर ये हमारे दो भगवान स्वरूप, हम सभी के महान मेंटर अगर बोला जाए, गुरु बोला जाए, भगवान बोला जाए तो भी कम है। जोरदार तालियां प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने ही डीएक्सएल को इंडिया में इस्टैब्लिश करने के बाद आज अगर हम सभी हैं तो इन्हीं के बदौलत है, और इन्हीं के बदौलत कई लाखों लोगों को जिंदगी बदला। हमारे यहां भी, हमारी टीम में, यहां बिहार में भी एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुका है अभी तक, जो कि 1500-2000 कमा नहीं सकता था, लेकिन आज वो अनपढ़ आदमी भी लाखों रुपया महीना कमा रहा है। जोरदार तालियां सर मैम के लिए। एंड जिनको हम सभी लोग दिखा दिखा करके, बेच बेच करके हम अपना बिजनेस को, अपना बोनस को, अपना टीम को डेवलप करते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ डीएक्सएल, जोरदार तालियां डॉक्टर एस रंजन सर के लिए, जोरदार तालियां। इन्हें हम सेल करके ही, आईओसी तो सेल होना आसान है, डीएक्सएल के प्रोडक्ट ही होना सेल आसान है, सब कुछ आसान है, सबसे पहले हमें इन्हें सेल करना आना चाहिए। इसी के लिए हमने सभी प्रेजेंटेशन में एमडी जनरल मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है उतना, इतना लंबा सेंटेंस ही है, समझ जाते हैं बड़ा पर्सनालिटी ही है। जोरदार तालियां फिर से, जोरदार तालियां। लगता है थक गए आप सभी का एक्साइटमेंट बन रहा है। अभी हम अगर देखा जाए तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, समझ में आ गया। एंड आज अब हम एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलाना चाहेंगे जिन्होंने आज कई हजार लोगों को, एक आम लोगों को, गरीब लोगों को, मेरे जैसा 19 बरस में डीएक्सएल को शुरू करके आज हम 21 में, जब हमने डीएक्सएल को शुरू किया था 19 बरस के थे, और मेरे जैसा लड़का, 19 बरस का लड़का को 21 बरस होते होते डीएक्सएल ने मिलेनियर बना दिया। डीएक्सएल ने मिलेनियर ओनली 21 इयर्स एज में। आज उनके बदौलत ला कई हजारों अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी, कई सारी महिलाएं, कई हाई क्वालिफाइड लोग भी
लाखों रुपया बोनस डीएक्सन से ले रहे हैं वो कोई और नहीं है हमारे मेंटर, जोरदार तालियां सुरेंद्र सर्वधर्मशीला मैन के लिए, जोरदार तालियां। अगर आज हम हैं, कुछ भी हैं, ये मंच भी अगर हमें मौका मिला है बोलने के लिए तो इन्हीं के बदौलत मिला है। ये हमारे मेंटर हैं, इनको हम दिन रात फॉलो करते हैं। ये हमारे मेंटर ही नहीं है, ये हमारे रिच डैड एंड रिच मॉम भी है। गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियां। फिर से, ये हमारे मेंटर नहीं है, ये हमारे रिच डैड एंड रिच मॉम भी है। जब मॉम और डैडी रिच हैं, जब बच्चा तो बहुत ज्यादा रिच हो गया। यस या नो? यस या नो? तो रिच डैड और रिच मॉम के साथ इनके बातों को फॉलो करने से, इनको सीख करके, इनको जान करके ही हम आपको बता दें, एक छोटा सा उम्र में 19 बरस था, 18 बरस कंप्लीट किए, डीएक्सन ज्वाइन करने के लिए भी कितना उम्र चाहिए? डीएक्सन कंपनी ने भी एलिजिबिलिटी रखा है 18 बरस, 19वें बरस में एंटर किए और 21 बरस होता उम्र होते होते हम डीएक्सन में मिलेनियर बन गए। मिलेनियर। तो ये आज कुछ भी है, आज मेरे पास एक अच्छा टीम है, मेरे पास आज अगर हमारे पास नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग, आज से 4 बरस पहले अगर देखा जाए तो हमने कुछ नहीं जानता था, ना तो डीएक्सन को जानता था, ना गैरेट वर्मा को जानता था, ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एमएलएम क्या होता है, ये सब भी हम कभी नहीं जानते थे, न कभी सुना था न कभी जाना था। अभी तो जन्म लेकर के थोड़ा सा होशी संभाले थे और उसी समय हमें डीएक्सन मिला। तो फिर से जोरदार तालियां सर मैम के लिए, क्योंकि आज हम कुछ भी हैं तो इन्हीं के बदौलत है। ये आज इन सभी लोगों को फॉलो करके हम यहां तक बढ़े हैं। अब हमारी शुरू होता है हमारा यात्रा, डीएक्सन में हमारा यात्रा कैसे शुरू हुआ। एक्चुअली हम शुरू में ही पढ़ने में अच्छे थे, हमारी पढ़ाई अच्छा ही, 5वां तक का क्लास तक मेरा गांव में हुआ, गांव से हुआ पढ़ाई, छठे से सिक्स स्टैंडर्ड से हमने एकेडमी में ज्वाइन लिया, एज ए हॉस्टल में रहना शुरू किया। उसके बाद अच्छे मार्क्स के साथ 10th क्वालिफाई किया, अच्छे मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट भी क्वालिफाई किए। और हमारे जो टीचर्स थे, हमारे क्लास टीचर्स जो थे, हमारे अंदर में जो भी हमारा जो पकड़ था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के ऊपर, तो उन्होंने हमें इंजीनियर के लिए वो हायर किया, उन्होंने प्रमोट किया कि इस क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं। तो हमने उनको उस इंजीनियरिंग के लिए दिन रात कर करके 2011 और 2012 16 घंटा पढ़ पढ़ करके रात रात तक पढ़ते थे। हमारा क्लास कभी 8 बजे रात में शुरू होता था तो 3 बजे मॉर्निंग में खत्म होता था। तो लगभग 16 घंटा कभी 14 घंटा कड़ी मेहनत करने के बाद हमने 2012 में जब इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम दिया तो हमने ऑल ओवर इंडिया में 1443 1443वां ऑल ओवर इंडिया में रैंक में हासिल हुआ, आईआईटी में 1443 आईआईटी में 1443वां रैंक हासिल हुआ। तो वंडरफुल रैंक, इट इज अ नॉट वंडरफुल रैंक फॉर आईआईटी। उसके बाद हमें काउंसिलिंग हुआ, बड़े बड़े कॉलेज, ऑलमोस्ट आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, बट आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरा शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गया। जो हमारे सभी चीज रिजल्ट आने के बाद हम बहुत बड़े बीमारी से ग्रसित हो गए, हमारा डाइजेशन का प्रॉब्लम आया, मेरा डाइजेशन बिक हुआ, जिसके कारण से हम 3 बरस बीमारी में रहे। तो 2012, 2013, 2014 बड़े बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमें कुछ भी सुधार नहीं मिला। उसके बाद हमें 2015 की शुरुआत में ही, 2014 लास्ट हो रहा था, उसी समय में हमें डीएक्सन के बारे में पता चला। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद कुछ ही महीने के बाद जो हमें चलने बुलने से हमें प्रॉब्लम था, बहुत ही कमजोर थे हम, 27 किलो मेरा बॉडी वेट था, 4-5 महीने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद मेरा बॉडी वेट 38 केजी हो गया और हम चलने फिरने लग गए। तो इस तरह से मेरा शुरुआत हुआ। तो इस तरह से मेरा ये हाल इस तरह से था। पहले अगर देखा जाए तो मेरा जर्नी यहां से शुरू होता है, मेरे पास एक साइकिल था और मेरा एक ही गोल था जो मैं आपको दिखा रहे हैं, आपको इंजीनियर बनना। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, इसलिए पढ़ने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, इंस्टीट्यूट जाने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं था, तो एक छोटा सा साइकिल से इंस्टीट्यूट, कोचिंग, कॉलेज,
सभी जगह जाते थे, एक दिन में लगभग 20-20 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। किसके लिए? कि मेरा जगह लक्ष्य था और कुछ नहीं था, इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना। और उसकी सफलता हमें मिला 2012 में, लेकिन सडनली एग्जाम लगाने के कारण मेरा इंजीनियर बनने का सपना खत्म हो गया। लेकिन अभी हम मानते हैं खत्म हो गया, वो भी बढ़िया ही हुआ। अगर हम इंजीनियरिंग अगर जाते तो हमें डीएक्सन मिलने वाला। मेरे साथ 12 क्लास में दोस्त था, आज 12 में से मेरे छोड़कर के सभी IITian हैं, सभी बड़े बड़े कंपनियां में, कोई Volkswagen कंपनी में ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, कोई इंफोसिस में है, कोई विप्रो में है, बड़ी बड़ी कंपनियां में इंजीनियरिंग कर रहा है और सभी की 6 से 7 लाख का पैकेज भी है। लेकिन अगर हमारा अगर बात किया जाए, हम आगे दिखाएंगे मेरा पैकेज कितना का है। आप लोग देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? क्या बात है, जोरदार ताली आप सभी के लिए। अब आप लोग यहां से हुआ, उसके बाद जब 2015 से पहले हमारा यात्रा शुरू अगर देखा जाए तो 2015 से पहले अगर देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ एक यही साइकिल था। मेरे पास क्या था? सिर्फ एक साइकिल। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बस और कुछ नहीं, इतना ही तो ट्रेवल करना है। एक साइकिल था। लेकिन जब हमने डीएक्सन करना शुरू किया, इसके बारे में जब समझ में आया और हमें डीएक्सन में पहली बार अगर किन्हीं से मुलाकात हुआ और इस सिस्टम के बारे में अगर पहली बार किन्हीं से पता चला इस सिस्टम के बारे में बढ़िया से, तो कोई और नहीं है डायरेक्ट पहली बार इस बिजनेस के बारे में बताने वाले, जो अभी हमारे गुरु माता पिता हैं, हमारे रिच मॉम और डैड हैं। जोरदार थालियां सुरेंद्र धर्मशीला मैम के लिए। फर्स्ट टाइम हमें इस बिजनेस के बारे में इन्होंने समझाया। बोले कुंदन जी आप क्या करना चाहेंगे? हम बोले प्रॉब्लम था, शरीर में प्रॉब्लम था, अब ठीक हो गए, फिर से आप नौकरी करना चाहें, नौकरी करना है। तो बोले नौकरी करने से आपको मालूम है नौकरी करने में क्या मिलता है? हम बोले तो मालूम तो है, पैसा मिलता है और पहचान मिलता है, थोड़ा सा गांव में सोशल में थोड़ा सोशली रूप से क्या होता है, थोड़ा सा पहचान मिलता है। लेकिन एक बात तो अभी भी याद है उस समय का जब हम पहली बार इनसे मिले थे। बोले आप अपना जरूरत पूरा करना चाहते हैं या सपना पूरा करना चाहते हैं? वो दिन याद है हमें भी। आप अपना जरूरत पूरा करना चाहते हैं या आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं? अगर आपको सपना पूरा करना है तो जो आप करने जा रहे हैं उससे जिंदगी में कभी पूरा होने वाला नहीं है। यस या नो? सही बोले या ना बोले? अगर आपको सपना पूरा करना है तो ये सपना पूरा करने के लिए आप इस डीएक्सन एक ऐसा जगह है जो एक आम आदमी को भी, एक कम एजुकेशन वाले को भी, एक एजुकेटेड पर्सन को भी बहुत कम समय में उसका सारा सपना को पूरा कर सकता है। तो उस दिन समझ में आया ये बिजनेस क्या है। उसके बाद हमने इस सिस्टम को समझ करके लगातार ट्रेनिंग लिए। जिस तरह से हम 8 घंटा हम IIT के लिए क्लास ज्वाइन करते थे, 2 घंटा फिजिक्स के लिए, 2 घंटा केमिस्ट्री के लिए, 2 घंटा मैथमेटिक्स के लिए, उसी तरह से हमने डीएक्सन को मैडम डेली अपने घर पे ट्रेनिंग लेते थे इस बिजनेस के बारे में। तो वो क्या करते थे, तो हम उनके यहाँ जाकर के 11 बजे से 3 बजे तक हम इसके बारे में ट्रेनिंग लेते थे और धीरे धीरे सीख करके सीखते गए लोगों को बताते गए समझाते गए। जब 2016 आया तो मेरे पास ये मेरा पहला 2 व्हीलर गाड़ी, हमने 2 चक्का खरीदा 2017 में। उसी तरह से और मोटिवेट होते गए, लोगों को बताते गए, बराबर मीटिंग अटेंड करते गए और 2015 में काम करना शुरू किए। 2015 से लेकर के सारे बड़े बड़े रेसिडेंशियल कैंप और सभी फ्रीडम डे को ज्वाइन किया, जिसके कारण क्या हुआ 2017 में मेरे पास इतना बढ़िया खूबसूरत कार आया। 2017 में ये 10 लाख का मारुति बलेनो कार मेरे जीवन में डीएक्सन में 2 बरस करने के बाद ये पूरा हो गया, यानी मिलेनियर भी बन गए और 4 चक्का का कार भी आ गया मेरे घर में Only 2 years, 2 साल के अंदर। उसी तरह से नियंत्रण सीखते गए, मैडम और सर का बात मानते गए, जो बोले वो करते गए। अभी बोले रात है, जी रात है, 8 बज रहा है, अब भी आओ सिखाएंगे पैसा कैसे आएगा, खाना खाते हुए छोड़ करके आ जाते थे घर पे, क्योंकि मैडम का घर और मेरा घर मात्र 0.5 या 1 किलोमीटर की दूरी पे, बिहार शरीफ में। 10 बजा कुंदन जी कहाँ है, मैडम अभी घर पे हैं,
आपके पास समय है, आपको हम बताएंगे कैसा बिजनेस होगा। रात में 10 बजे आकर के, और ऐसे दुनिया में मेरे पहले ऐसे शिक्षक या गुरु मिले जो 12 बजे रात और 3 बजे रात तक कर जगह जगह करके इस बिजनेस को सिखाए। जोरदार तालियां इसके लिए फिर से। फिर उसके बाद 2019 आया, ये मेरा डीएक्शन का दूसरा लग्जूरियस कार। डीएक्शन से मेरा यह दूसरा कार, जोरदार तालियां इस कार के लिए। कभी सपना में नहीं सोचे थे कि एक होगा या ना होगा, लेकिन कुछ ही वर्षों के अंदर में आज मेरे पास कितना कार है? दो कार है। उतना ही नहीं, 1.5 से 2 रूम के कमरा में रह करके पूरे परिवार, मेरे पिताजी और मम्मी 2 रूम के कमरा में पाल करके पोस करके हमें IIT करवाने का सपना देखे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये मेरा घर है 2018 का। आप देख लीजिए मेरे गांव का चारों तरफ का हिस्सा दिख रहा है, एक भी ऐसा घर दिख रहा है? एक भी दिख रहा है? आप फ्रंट, बैकड्रॉप, लेफ्ट साइड, राइट साइड आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एकलौता मेरा घर है जो गांव में सबसे बढ़िया है। दिस इज अ पावर ऑफ डीएक्शन, और कोई कारण नहीं। ये मेरा डीएक्शन में दूसरा घर आया, उसके घर बना, आज मेरे पास बहुत बढ़िया घर भी है। तो ये सभी चीजें उसके साथ 2018 में, ये मेरा सबसे पहला विदेश यात्रा मलेशिया का। उसके बाद अगर देखा जाए होटल सनवे रिजॉर्ट्स 5 स्टार 7 स्टार, पढ़ने वाला लड़का क्या करने जाएगा? यस या नो? 18 साल में 5 स्टार 7 स्टार क्या करने जाएंगे? पहली बार मजा आया 5 स्टार 7 स्टार का 2018 में मलेशिया, और उसके बाद 2019 में बाले इंडोनेशिया। ये मेरा दूसरा फॉरेन ट्रिप अभी कुछ ही महीने पहले विजिट करके आए हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए ये सभी TSIP 2019 का है। अब हम आपको दिखाते हैं अभी मेरे इंजीनियर दोस्त का, अगर पैकेज देखा जाए तो 6 से 7 लाख का पैकेज है। अगर मेरा पैकेज अगर आप डीएक्शन में देखेंगे, बढ़िया से देखिएगा, भारत सरकार का TDS सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा है। मेरा पहला साल का पैकेज आप काउंट कर लीजिए, हाउ मच फाइनेंशियल ईयर 2015-16, फाइनेंशियल ईयर 2015-16 फर्स्ट, मेरा पहला साल का पैकेज है डीएक्शन का, एक साल का इनकम 4,31,531 पहला साल डीएक्शन का। पहला साल का पैकेज मेरा, एक पहला डीएक्शन ज्वाइन करने का पहला साल का इनकम कितना है? 4,31,531 रुपया पहले साल का, फाइनेंशियल ईयर 2016-17। नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 16,44,055 रुपया दूसरा साल। कितना का पैकेज? मेरे 3 इंजीनियर दोस्त के बराबर इकलौता, मात्र 2 बरस के। 2 बरस के अंदर मेरा ये दूसरे साल का इनकम है, कितना है? 16,44,055 रुपया। इस डाटा को कोई गलत बोल सकता है? ये गलत डाटा हो सकता है? पैसा भी कहां से आया? नेम ऑफ डिटेक्टर डीएक्शन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सही है या गलत है? उसके बाद अगर तीसरे वर्ष में जाएंगे तो मेरा इनकम क्या है? हाउ मच? 22,23,735 मेरा तीसरे बरस का डीएक्शन में, यानी 4 इंजीनियर दोस्त के बराबर पैकेज मेरा एकलौता 1 बरस के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ डीएक्शन। एंड 4th साल का मेरे पास डाटा अभी तक हम डाउनलोड नहीं किए हैं। अगर 3 बरस का अगर देखेंगे तो 43 लाख, अगर 14 बरस का हम मिला देंगे तो 4 बरस के अंदर में डीएक्शन में टोटल 70 लाख 70 मिलियन। आप खुद सोच सकते हैं, पूरा जीवन भर अगर जॉब करते तो भी उतना पैसा नहीं आ सकता था, अभी 4 बरस के अंदर में 70 लाख। जैसे ही मेरा 5 बरस कंप्लीट होगा डीएक्शन में, मेरा टोटल इनकम 1 करोड़। इमेजिन करिए ये कैसे हुआ ये, और ये सिर्फ हो सका तो डीएक्शन के पावर से, ये सिस्टम के पावर से, मेरे गुरु जी का सपोर्ट से, और ओनली फॉर RBC एजुकेशन। दिस इज द पावर ऑफ RBC। ये आग कहीं का नहीं है, ये IIT का आग नहीं है, ये RBC का आग है। IIT का आग खत्म हो गया 2012 में। तो हम चाहेंगे आज मेरे देख करके कई सारे युवा वो लोग मेरे बिजनेस में, इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो चलिए
फिर मिलेंगे नेक्स्ट ESIP में, अगले साल अगर देखा जाए तो फिर हम दुबई आ रहे हैं। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा तो जरूर, कैसा लगा, जोरदार तालियां सभी को, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर कुंदन। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन फिर भी लग रहा है मेरे अनुसार अच्छा ही है। थैंक यू मिस्टर कुंदन, अच्छा तो तब लगेगा जब आपका पैसा लोगों के अकाउंट में आने लगेगा। सो दोस्तों